वेलकम टू रॉकी पीएलसी क्लासेस। रॉकी पीएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम ये काउंटर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ये अप काउंटर का एक प्रॉब्लम है, उसका प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए बस मैक्सिमम 10 पैसेंजर अलाउड। ये बस में 10 पैसेंजर अलाउड है। व्हेन 10 पैसेंजर कंप्लीट टू एंटर इन टू बस, 10 पैसेंजर कंप्लीट होते हैं, देन डोर क्लोज आफ्टर 15 सेकेंड। वो बोल रहा है कि हमारा जो डोर है 15 सेकेंड के बाद क्लोज हो जाएगा। 10 पैसेंजर कंप्लीट होने के बाद हमारा 15 सेकेंड में डोर क्लोज होगा। ये डोर क्लोज होगा, ये पैसेंजर है, ठीक है। चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हम ये लेते हैं काउंटर CTU, काउंटर। ये है काउंटर का नाम है C0। प्रीसेट देते हैं, प्रीसेट 10 नंबर्स पैसेंजर, एक्यूमुलेटर 0। यहाँ पे इनपुट देते हैं I 0.0, रीसेट देते हैं I 0.1, रीसेट है। यह हमारा डॉन बिट निकलेगा, यह हमारा काउंट बिट निकलेगा। C0 डॉन बिट, C0 CU काउंट बिट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 10 हमारा पैसेंजर है, हम प्रीसेट में 10 लेंगे, एक्यूमुलेटर 0 है। यह हमारा सेंसर है, सेंसर 1 पैसेंजर एंटर करेगा, ये एक्यूमुलेटर 1 हो जाएगा। सेकेंड पैसेंजर एंटर किया, एक्यूमुलेटर 2 हो गया। थर्ड पैसेंजर एंटर किया, एक्यूमुलेटर 3 हो गया। ऐसे करके 10 पैसेंजर अगर ऑन हो जाएगा तो हमारा डॉन बिट ये ऑन हो जाएगा, हमारा डॉन बिट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं C0 का डॉन बिट को आउटपुट देते हैं O 0.0। ये हमारा पैसेंजर कंप्लीट का इंडिकेशन है कि 10 पैसेंजर कंप्लीट का इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद इसका इनपुट से O 0.0 का इनपुट से हम एक टाइमर लेंगे, टी ऑन टाइमर लेंगे, ठीक है। ये टाइमर का नाम है T0, टाइम बेस 1 है। प्रीसेट में देंगे 15, क्योंकि बोल रहे 15 सेकेंड का हम क्लोज हो जाएगा, डोर क्लोज हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में देंगे 0, इसका निकलेगा डॉन बिट, इसका निकलेगा T0 डॉन बिट, T0 टीटी बिट, टाइमर्स टाइम बिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 15 सेकेंड के बाद हमारा डोर क्लोज हो जाएगा। ये लेते हैं T0 का डॉन बिट को आउटपुट में दे देते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं O 0.1। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये हमारा रीसेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I 0.0 है, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ पैसेंजर, I 0.1 है रीसेट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे लिख देते हैं ओ 0.0 टेन नंबर्स ऑफ पैसेंजर कॉम्प्लीट ई टी ई, उसके ध्यान पे लिखते हैं डोर क्लोज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर भी एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। ये बोल रहा है 10 पैसेंजर है, 10 पैसेंजर एंटर करने के बाद हमारा बस का डोर क्लोज हो जाएगा और 15 सेकंड के बाद क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट दिए ये नंबर ऑफ पैसेंजर, जैसे कि सेंसर में ये बॉस में फिटिंग होता है, एक पर्सन एंटर होता है काउंटिंग एक होता है, दूसरा पर्सन एंटर होता है काउंटिंग टू होता है, तीसरा पर्सन एंटर होता है काउंटिंग थ्री होता है, ऐसे करके 10 पर्सन एंटर होता है तो हमारा C0 डॉन बिट ऑन होता है। C0 डॉन बिट ऑन होते ही यहाँ पे हम इनपुट में ले लिए C0 डॉन बिट, इसका आउटपुट मिल गया 10 नंबर ऑफ पीपल कंप्लीटेड। तो इसको हम टाइमर में इनपुट दे देते हैं, टाइमर वगैरह इनपुट दे देते हैं तो हमारा टाइमर में प्रीसेट में 15 सेकेंड दे देते हैं। टाइम बेस है, प्रीसेट 15 है, एक्यूमुलेट 0 है, तो उसका जो 15 सेकेंड का जो डॉन बिट निकलेगा उसको हम डोर क्लोज का एक कमांड जाएगा, डोर क्लोज का जो एक डीओ कमांड जाएगा उसके बाद हमारा डोर क्लोज हो जाएगा। बस इतना ही, मैं इसको मोबाइल ऐप में बना के दिखाऊंगा, ठीक है।